मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और मैं आपसे मिल रही हूँ संडे मॉर्निंग में। अभी देखिए मैं उठ के आई ही हूँ और टाइम हो रहा था 6:30 सुबह के, तो 6:30 बजे आज मैं उठी हूँ। मैं वैसे तो उठ जाती हूँ 5:30-6 बजे के करीब, लेकिन अभी ना ये है कि बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं। जैसे कि अभी कुछ इलेक्शन करके छुट्टियां आ गई थी और उससे पहले ना गर्मी की छुट्टियां एक दो दे दी थी। मतलब वैसे समर वेकेशन तो हुई नहीं है अभी, लेकिन एक दो छुट्टियां जैसे ज़्यादा गर्मी होने की वजह से ना दे दी थी। तो बस थोड़ा लेट ही उठ रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ हो रही है। तो उठ के मैंने अपने हाथ मुँह धो लिए ताकि थोड़ा सा ना, मतलब ये रहता है ना उठने के बाद भी नींद नींद सी आती रहती है, तो फिर उठते के साथ ही ठंडे ठंडे पानी से हाथ मुंह धो लो ना, तो फिर थोड़ी सी नींद जो है ना वो थोड़ी जाने लगती है। तो उठते के साथ ही मैंने हाथ मुंह धो लिए, फिर मैंने ले ली थी पानी की बोतल, नॉर्मल पानी की। वैसे तो मैं सुबह उठ के गर्म पानी पीती थी, लेकिन अब मैं नॉर्मल पानी पी लेती हूँ, वो भी गर्म ही रहता है। और देखिए अब मैं ना नहा ली हूँ, नहाने के बाद ही आपसे मिल रही थी। उठते के साथ मैंने ना पूजा वगैरह जो है ना वो सुबह की मैं ही कर रही हूँ फिलहाल आजकल। तो ये है कि सुबह जल्दी भी उठ जाती हूँ और फिर साफ़ सफाई के जो भी काम है ना वो भी मैं जल्दी कर लेती हूँ। तो उसके बाद फिर यही रहता है कि पूजा कर लेते हैं चलो, और फिर ही बाद में किचन में जाएंगे। तो साफ़ सफाई के काम सारे हो चुके थे और अब फिर मैं नहा ली थी और अब आ गई पूजा करने, इसके बाद जाऊँगी किचन में खाना बनाने के लिए। तो अभी सुबह सुबह का ही टाइम है, तकरीबन बज रहे होंगे 7:30 या 7:45 हो रहे होंगे। और फिर सोचा कि अभी से ही किचन में जाके क्या करूँ, क्योंकि बाकी सब लोग जो है ना वो सोए हुए हैं, तो इसलिए फिर मैं पूजा करने आ गई हूँ। और गर्मी की इतनी बुरी हालत हो रही है यहाँ पे, इतनी गर्मी है। अभी सुबह सुबह का टाइम है, नहीं तो सुबह सुबह थोड़ी सी राहत रहती है, लेकिन इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है कि बिल्कुल भी गर्मी से राहत नहीं है। अभी भी मैं जैसे रूम में बैठ जाते हैं ना या किचन में चले जाते हैं किसी रूम में, जैसे फ़ैन बंद करके एक मिनट भी नहीं बैठ सकते। तो अभी मैं बैठी थी, फ़ैन वगैरह चालू नहीं था, पूजा मैं कर रही थी, तो इतनी गर्मी अभी लग रही थी, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि बस हद हो गई है गर्मी की। और बच्चों की भी गर्मियों की छुट्टियां ना अभी पड़ी नहीं है, कोई मैसेज आया नहीं है, तो देखते हैं कब छुट्टियाँ पड़ रही हैं कब नहीं, क्योंकि बच्चों का जाना भी अब इस गर्मी में ना स्कूल बहुत मुश्किल है। वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो जी ये वाली जो वीडियो है ना मेरी, ये है संडे की और संडे मॉर्निंग से ही वीडियो शुरू हो रही है। अभी बस मैं नहा के आई हूँ, मतलब नहा के मैंने पूजा कर ली है ना, और बस अभी मैं खाना बनाने जाऊँगी किचन में। तो बच्चों ने बोला था कि हमको खीर खानी है और खीर पराठे सब्जी, बाकी सब तो है वो मैं बनाऊँगी। मतलब खीर का तो यह है कि बस एक एक कटोरी वो खाएंगे, एक आधी आधी कटोरी, मीठी चीज़ ज़्यादा खाई भी नहीं जाती है, लेकिन यह है कि बच्चों का बस मन है तो करके बना रही हूँ मैं। और साथ जो सब्जी और पराठे जो बनेंगे वो तो अलग। तो चलिए पूजा वगैरह हो गई है और अभी बाकी सब लोग जो है ना वो सोए हुए हैं, और मैं आज सुबह सुबह मैंने जल्दी काम कर लिया है, तो इसलिए मैं कर लेती नाश्ते की तैयारी और फिर मिलती हूँ आपसे। तो आ गई हूँ मैं किचन में और बस लग जाऊँगी अभी ब्रेकफास्ट की तैयारी करने के लिए। तो बाकी सब लोग तो सोए हुए हैं ना, लेकिन ये है कि उनके उठते उठते ना मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर दूँगी, बना के रख दूँगी मैं, और फिर बस उसके बाद ही उनको उठाऊँगी। बस बच्चों को नहलाना है, ब्रश वगैरह करवाना है, साथ ही वो भी नहा लेंगे, ब्रश कर लेंगे, और बस फिर उसके बाद ना मैं फ्री हो जाऊँगी। और फिर दोपहर तक फ्री रहना है 1:30 बजे तक, और फिर उसके बाद देखिए लंच का कि लंच में क्या बनेगा क्या नहीं, क्योंकि आज इनकी भी छुट्टी है घर में है। तो फिर ये है कि दाल चावल ही बनेंगे दोपहर को भी, लेकिन अभी कुछ सोचा नहीं है क्या दाल बनाऊंगी या क्या बनाऊंगी क्या नहीं। तो इस करके अभी तो फिलहाल सुबह का निपटा के ना मैं सो जाऊँगी थोड़ी देर के लिए। गर्मी में बिल्कुल भी मन नहीं करता बाकी सारा काम करने का और कुछ भी, इसलिए मैं सुबह सुबह ही ना घर के काम करके भी फ्री हो जाती हूँ, कि मतलब इस दोपहर 10 बजे के बाद मतलब मुझे कोई काम भी ना करना पड़े तो सही है। और गर्मियों में किया भी नहीं जाता, गर्मी में तो बस एक रूम में पड़े रहो वही बहुत है, वहाँ पर भी ज़्यादा देर तक पड़े पड़े ना वहाँ पर भी गर्मी लगने लग जाती है, इतनी बुरी हालत है। तो देखिए अभी मैं ना जो पहले का जो दूध था ना मेरा, एक दिन पहले का जो ला के रखा था, तो बस मैंने उसको निकाल लिया, उससे मलाई वगैरह निकाल लिया, उसको रख दिया मैंने गर्म होने के लिए। और गर्मियों का ये रहता है कि बार बार ना देखना पड़ता है, अगर मैं चाय भी बना रही हूँ ना तो उसमें भी दूध को मैं उबाल के डालती हूँ कि एक बार चेक कर लेती हूँ कहीं दूध ख़राब तो नहीं हो गया, क्योंकि बीच बीच में होता है लाइट भी चली जाती है और गर्मी बहुत ज़्यादा है।
तो करके फिर मैं इस दूध को उबाल के देख रही थी, क्योंकि इसी में खीर बननी थी ना, और थोड़ा सा दूध जो ताज़ा वाला दूध लेके आए ना वो भी इसमें डालना था, लेकिन जो पहले वाला दूध है उसको उबाल के मैं देख रही थी कहीं ख़राब तो नहीं है। तो आज जो दूध है ना वो भी मैं ही लेके आई हूँ। सब लोग सोए हुए थे तो फिर मैंने नहीं उठाया और सोचा कि चलो मेरा भी थोड़ा घूमना हो जाएगा और दूध भी मैं ले आऊँगी। तो ये जो दूध गर्म हो रहा है ना एक दिन पहले वाला, इसको मैं बार बार देख रही थी कि कहीं ये ख़राब तो नहीं है, नहीं तो अगर ख़राब भी होता ना तो फिर उसमें मैं सिरका वगैरह डाल के फिर वही है कि पनीर वगैरह निकाल लेती, लेकिन फ़िलहाल तो ये सही है। तो इसमें ही मैंने चावल डाल दिए थे खीर बनाने के लिए और थोड़ा सा दूध जो है ना वो ताज़ा वाला डाला था। सब खीर बनती रहेगी और एक दो मिनट के बाद मैं इसको हिला के देखती रहूँगी दूध को, ताकि ये उबल के बाहर भी ना निकल जाए और दूध ख़राब भी ना हो। मतलब अगर खीर बना रहे होते ना जब हम एक दो तीन मिनट का गैप देके इसको हिलाना पड़ता है दूध को, नहीं तो ख़राब भी हो जाता है दूध। तो देखिए खीर भी बन ही रही है और बनने वाली है बस थोड़ी देर में। तो अब फिर ना मैंने चीनी डाल दी, मतलब चावल तो बिल्कुल अच्छे से पक गए थे, फिर मैंने डाल दी है चीनी और जो भी ड्राई फ्रूट वगैरह मैं डालूंगी ना वो मैं बाद में डालूंगी, अभी जब ये बिल्कुल पक जाएगी ना उसके बाद ही मैं डालूंगी। तो यहाँ पे मेरे को ये लग रहा था कि दूध थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है और चावल मैं ना बिल्कुल कम डालती हूँ, बिल्कुल कम चावल मैंने डाले थे, क्योंकि ज़्यादा खीर में चावल चावल ही हो ना फिर मुझे वो वाली खीर भी पसंद नहीं है। लेकिन अभी फ़िलहाल ना मेरे से कुछ ज़्यादा ही कम डल गए थे चावल और दूध ज़्यादा था। तो खीर भी देखिए बन गई है। उसके बाद मैंने ये जो सूखा वाला जो नारियल होता है ना वो डाला है, तो उसको मैंने मिक्सी में पीस लिया था, क्योंकि बच्चे मतलब बच्चे खाते नहीं, उनके मुंह में आता है ना तो वो निकाल निकाल के रखते हैं, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता और फिर ये सब कुछ चीज़ें पड़ी है ना तो बड़े बड़े भी ख़राब ही होंगी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये वैसे पीस के ही डाल देती हूँ, उनको पता भी नहीं चलेगा। बादाम वगैरह तो आराम से खा लेते हैं, तो बादाम मैंने बारीक कट करके डाल दिए थे। बाकी जो भी ड्राई फ्रूट ये नहीं पसंद करते हैं, किशमिश वगैरह वैसे खा लेते हैं, लेकिन किसी चीज़ में डाल के दूंगी ना तो नहीं खाएंगे। तो बस फिर मैंने किशमिश काजू वगैरह कुछ नहीं डाला ज़्यादा, मैंने बादाम और ये जो नारियल था ना ये डाल दिया। सब्जी में भिंडी की यहाँ पर बना रही थी, लेकिन फिर जब भिंडी लेने के लिए मैंने फ्रीज खोला ना तो देखा कि रात के आलू बैंगन की सब्जी पड़ी हुई है। तो खैर उसमें आलू तो बच्चों ने रात को ही खा लिए थे, लेकिन बैंगन थे थोड़े से बचे हुए थे। तो फिर सोचा कि चलो खीर भी तो है ही और ये जो बैंगन की सब्जी है साथ में पराठे हो जाएंगे, तो बस फिर इसके साथ ही हमने खाना खा लिया था। तो इसके बाद देखिए मैं सो गई थी और फिर दोपहर को लंच टाइम पे भी हमने कुछ नहीं बनाया था, इतनी गर्मी थी, सबने खाना खाने के लिए मना कर दिया था। और फिर 3 या 3:30 बजे सिकना मैगी बनाई थी, तो मैगी हमने खाई थी। और उसके बाद फिर शाम सिको हम गए थे मार्केट से कुछ सब्जी वगैरह लेके आए थे और आटा ख़त्म हो रहा था तो आटा मैं लेके आई थी। तो सब्जी आ गई है तोरी, मैं लेके आई हूँ, साथ ही लेके आई हूँ खीरा। तो फिर आटे के साथ ही सोचा कि इनको धो देती हूँ मैं तोरियों को, तो इनको ना मैंने धो दिया। और ये तोरी वगैरह ये जो सब्जी होती है ना इसमें अगर हल्का सा भी मतलब पानी या इसी के छिलके वगैरह थोड़े गले गले से हो ना तो इतनी स्मेल आती है, तो इन सब चीज़ों को तो मैं पहले ही धो के रख लेती हूँ। इनको अच्छे से वॉश करके मैंने फिर इसी जाली में रख दिया था थोड़ा इसका पानी निचोड़ने के लिए, क्योंकि ऐसे ही फ्रिज में रखती ना तो फ्रिज में भी पानी सा बिखर जाता है, इसलिए थोड़ा पानी सा निचड़ जाएगा ना उसके बाद मैं इनको फ्रिज में रख दूँगी। और अब मैं करूँगी डिनर की तैयारी। तो डिनर में जैसे कि मैंने आपको बताया है कि दोपहर को ना हमने खाना नहीं खाया था, मैगी खाई थी 3:30 बजे। तो अभी मैं चावल बना रही थी क्योंकि दिन में एक टाइम तो चावल चाहिए ही चाहिए और गर्मियों में तो खासकर चावल चाहिए, रोटी तो मतलब बिल्कुल भी पसंद नहीं है मुझसे, खाई भी नहीं जाती है। तो देखिए मैंने 2 कटोरी चावल ले ली, इनको भिगो के रख दिया है। और अभी दाल खाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं था, तो मन तो वैसे मेरा कढ़ी खाने का था और कढ़ी वगैरह खाने के लिए मैंने दही मंगवाया था बाहर से कि चलो इसी की लस्सी लगा के ना फिर मैं कढ़ी बना लेती हूँ। तो गर्मियों में ना ये सब चीज़ें खाई जाती हैं, कढ़ी चावल ये सब, लेकिन फिर ना सोचा कि दही की सब्जी भी ना काफ़ी अच्छी बनती है और काफ़ी दिन हो गए बनाए हुए भी, बच्चे भी खा लेते हैं, मुझे भी काफ़ी पसंद है, मतलब हम सब ना बड़े आराम से खा लेते हैं दही की सब्जी ना, सबको पसंद है।
तो फिर ये सोचा कि चलो दही की सब्ज़ी मैं बना लेती हूँ, और अच्छी भी लगती है चावल के साथ, रोटी के साथ भी, और बनाने में भी इजी रहता है, ज़्यादा कुछ तामझाम है नहीं, जैसे कि कढ़ी में है काफ़ी देर तक गैस के पास खड़े रहो, उसको हिलाते रहो उबाल आने तक, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो फिर देखिए मैं दही की सब्ज़ी ही बना रही हूँ। मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज जो है ना वो बारीक लंबे लंबे से कट कर लिए हैं, और साथ ही कट कर लिए थे लहसुन भी। टमाटर में मैं इसमें नहीं डालूंगी, टमाटर जैसे दही भी खट्टी सी होती है ना, तो वैसे टमाटर डाल के और भी खट्टी सी सब्जी हो जाएगी, तो फिर वो अच्छी नहीं लगेगी इसलिए। तो सरसों का ऑयल मैंने ले लिया था, उसके बाद उसमें डाल दिया है ज़ीरा, और फिर डाल दिया था प्याज लहसुन, और साथ ही बारीक कटी हुई लंबी लंबी सी हरी मिर्च भी इसमें डाल दी थी, काफ़ी अच्छी लगती है। और फिर ना तड़का मैंने बना लिया था, इसमें जो भी हमारे बेसिक मसाले होते हैं ना वो मैंने सब डाल दिए थे, और फिर इस कढ़ाई को बंद करके रख दिया था, गैस को मैंने कर दिया था बंद, और कढ़ाई को ना ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया था। तो जब तक ये कढ़ाई ठंडी नहीं होगी ना तब तक मैंने दही नहीं डाला था, क्योंकि गर्म गर्म में डाल देते हैं ना फिर वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है दही, तो कढ़ाई को बिल्कुल ठंडा कर लेते हैं उसके बाद ही दही डालते हैं। और सब्जी मेरी हो गई थी तैयार। अब सब्जी तैयार होने का बस यही था कि तड़का बना के गैस बंद कर दो, और फिर 10-15 मिनट के बाद दही डाल दो, और साथ ही मैंने देखी चावल भी भिगो दिए थे, तो चावलों को भी मैंने चढ़ा दिया है, और साथ ही मैंने कट कर लिया है खीरा भी और प्याज भी सैलेड के लिए। तो डिनर का काम तो हो गया, अब रहता है ये जो आटा लेके आई हूँ ना इसको मैंने इसी के कंटेनर में ना डालना है। तो जब मैं इसको डालने लगी थी ना तो आटा थोड़ा सा मतलब गिर गया था, ये पन्नी ना इतनी पता नहीं कैसी ऐसी ऐसे हो रहा था जैसे मेल्ट हो रही है पन्नी ये आटे की। तो जब मैं इसको उठाने लगी ना एकदम से ये फट गई, और काफ़ी सारा आटा जो है ना वो नीचे गिर गया था, तो काम थोड़ा सा बढ़ गया था, और गर्मी इतनी हो रही थी किचन में कि बस फिर ना ऐसा कुछ उल्टा सा काम हो जाए ना तो एकदम दिमाग ना ऐसा चिड़चिड़ा सा हो जाता है। और कुछ ये हो गया था कि चावल में ना पानी ज़्यादा डल गया था, आगे आपको देखने को मिलेगा, आपको साफ दिखेगा, मैंने दिखा रखे हैं कि चावल ना थोड़े ज़्यादा पानी वाले बन गए। तो ये देखिए आटा कैसे गिरा है मेरे से एकदम से, और बड़ा फिर दिमाग ख़राब हो जाता है जब काम बढ़ जाता है ना। तो चलिए हो गए हैं सारे काम और डिनर की तैयारी भी, उसके बाद हमने डिनर वगैरह कर लिया था। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो गाइस, आपको कैसी लगी है? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।